नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। महाराष्ट्र में 2019 विधानसभा चुनाव में भाजपा के देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के अजित पवार ने मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि ये सरकार दो दिन में गिर गई, जब एनसीपी चीफ शरद पवार ने अपना समर्थन वापस ले लिया। चार साल बाद महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पवार के बैकफुट पर जाने की बहस फिर से छेड़ दी। फडणवीस ने कहा कि पवार ने 2019 में डबल गेम खेला था, जिस पर पवार ने जवाब दिया। उन्होंने तो गुगली फेंकी थी। फिर फडणवीस ने कहा कि यही सच बाहर लाना चाहते थे। बीजेपी नेता फडणवीस ने हाल ही में एक न्यूज चैनल से बातचीत में चार साल पहले के वाक्य का जिक्र किया। फडणवीस ने दावा किया कि 2019 में शरद पवार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की सहमति जताई थी, फिर वो अपने वादे से मुकर गए। फडणवीस ने आगे कहा कि हमने सरकार बनाने की कवायद शरद पवार से चर्चा के बाद ही शुरू की थी। दो दिन बाद उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, उन्होंने डबल गेम खेला। इसके बाद अजित पवार के पास हमारे साथ आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए हमने शपथ ली थी। फडणवीस के धोखा देने वाले दावों पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने 29 जून को पलटवार किया। पुणे में एक कार्यक्रम में पवार ने कहा, 2019 में बीजेपी के साथ सरकार बनाना मेरी गुगली गेंद थी, जिस पर फडणवीस बोल्ड हो गए। पवार ने आगे कहा, वो बीजेपी का असली चेहरा सबके सामने लाना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उस दौरान जितनी भी मीटिंग हुई वो बीजेपी के चरित्र को सबके सामने लाने के लिए थी। शरद पवार के पलटवार के बाद फडणवीस ने फिर से उनको जवाब दिया। 29 जून को न्यूज एजेंसी से बातचीत में फडणवीस ने कहा, मैंने पुरानी बात इसलिए छड़ी ताकि सच सामने आ सके। मैंने भी एक गुगली फेंकी और पवार के मुंह से सच सामने ले आया। पवार ने कबूल किया कि वो बीजेपी के साथ बातचीत कर रहे थे। अभी तो आधा सच बाहर आया है, बचा हुआ सच भी सामने आएगा। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।